our first revision topic, that is the chapter cell. Cell chapter, that is in your revision test one also, we are going to get the cell chapter. Number one, Anji Ashmit, what happened? One second. Okay, so cell chapter, that the cell that is called as the fundamental and structural as well as functional as well as basic unit of life. ठीक है, तो हमने इसको इतने सारे नाम दे दिए, fundamental, basic, structural, functional. क्यों दिया? Because of its role. है ना, उसका रोल ये बताता है कि इट इज अ बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट मींस इट इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ टू एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज बेसिक. इट इज अ फंडामेंटल यूनिट, अगेन एन अटमोस्ट यूनिट, है ना, जो बिल्कुल प्रॉपर रिक्वायरमेंट है ही है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए. स्ट्रक्चरल है, क्यों? यस, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू द इमीडिएट लेवल, दैट इज टू द टिश्यूज, है ना, टिश्यूज को देता है ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिर टिश्यूज कंपाइल अप करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंपाइल करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम एंड हेंस ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फंक्शनल क्यों? इट प्रोवाइड्स अ फंक्शन टू द वेरियस लाइनिंग्स, टिश्यू लाइनिंग्स, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड करता है. टिश्यू लाइनिंग्स हो गई या फिर ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, उनके फंक्शन के बिहाफ पे सेल कैसा होगा, उसका फंक्शन कैसा होगा, उसके बिहाफ पे सेल और उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया जाता है. ठीक है, सो ये है हमारे पास सेल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, जिसमें हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट्स, these are called as the functional units, these are called as the fundamental units. ठीक है, so ये इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं depending upon its role, right? Then is further we have studied the variations in the cell. Variation wise we have studied that there are the variations in the number of cells, in the size of cells, in the shape of cells, and number varying from the number in the organisms, ठीक है, number in organism, number of cells, and also the different types. Types भी पढ़ी हमने, variation है इसकी types में भी, ठीक है. Size wise आपको लिखवाया है what is the smallest and the largest cell of the human body as well as of the whole world, living world. For the humans it is RBC, smallest and largest is, that is longest, है ना, longest is a neuron or a nerve cell. Then shape wise, अच्छा, in the world size में कौन है सबसे छोटा? Smallest, PPLO. PPLO is the smallest living cell. PPLO, that is the smallest living cell, pure pneumonia like organism. And largest is ostrich egg, right? Coming to the shape, shape of the cells may vary, right? In your book there are different diagrams given for your NCERT में दिए हुए हैं, different different diagrams दिए हुए हैं. अब वहां पे डायग्राम्स में ए बी सी डी आपको साथ में लेबल किया हुआ, दैट इज दिस ए बी सी डी एंड अंडर दोस डायग्राम्स दे हैव रिटन देयर नेम्स, है ना. यू कैन बी आस्क्ड टू मैच द करेक्ट डायग्राम अलोंग विद इट्स करेक्ट नेम. रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना ये, ठीक है. यू शुड हैव द क्लियर आइडिया दैट व्हाट टाइप ऑफ द सेल इज नेम्ड एज व्हाट, ठीक है. अगर मैंने न्यूरॉन बनाया है तो यू हैव टू मैच इट विद द न्यूरॉन, मतलब सेल की शक्ल अगर न्यूरॉन जैसी है तो न्यूरॉन वर्ड से मैच करना पड़ेगा. वहां पे अगर आप न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन मैच कर देते तो दैट इज रॉन्ग, है ना. सो इस तरह से आपको एमसीक्यूज बीच में पूछे जा सकते हैं रिकॉग्निशन बेस एज वेल. सो दैट इज द शेप्स. शेप्स में आपके फ्लैटेंड सेल्स आएंगे स्किन के, राउंडेड इज द ओवम, देन द डिस्क शेप इज अ आरबीसी, स्फेरिकल आर द स्फेरिकल शेप इज दैट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आर द स्फेरिकल शेप. ब्रांच्ड आर द न्यूरॉन्स, इलोंगेटेड आर द neurons again, right? So they are the shapes. Now coming to the numbers in organisms. Numbers in organisms, yes, the organisms are further classified into unicellular and multicellular organisms. So what is the example of a unicellular organism? Very nice. Amoeba, paramecium, euglena, bacterial organisms, yes. Okay, हमने यहाँ पे differentiate नहीं किया तो bacteria भी ले सकते हैं. मल्टी सेलुलर, ह्यूमन्स, कैट्स, डॉग्स, यस यस, एनी ऑर्गेनिजम्स दैट विच आर कैट्स, डॉग्स, एनिमल्स, एनिमल्स में से हैं, प्लांट्स में से हैं, ह्यूमन्स हैं, वी आर ऑल मल्टी सेलुलर, ठीक है. सो दिस इज द नंबर इन ऑर्गेनिजम्स दैट विच कैटेगराइजेस इट इनटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वेरी गुड. So this is prokaryotic cells and eukaryotic cells. What are the prokaryotic cells?
without a nuclear membrane. Yes, prokaryotics are the primitive type of the cells, which do not have the much complex organization. They have simple organization. Also in this, there are membrane bound cell organelles absent. Then why the ribosomes is there? Why the ribosomes are there if membrane bound cell organelles are absent? Because it is a unit which is, it is a cell organelle which is made up of the further two smaller subunits, and the two smaller subunits are not packed in a common membrane. ठीक है, दो स्मॉलर सब यूनिट्स का बना है ये राइबोसोम, लेकिन उनके पास एक कॉमन मेम्ब्रेन नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पे पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, सिमिलरली यूकैरियोट्स आल्सो हैव द राइबोसोम्स, बट व्हाट टाइप आर प्रेजेंट हियर? 70S. व्हाट टाइप आर प्रेजेंट हियर? 80S. अदर डिफरेंसेस, न्यूक्लियस इज आल्सो विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हियर द प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस न्यूक्लियस? टू दिस न्यूक्लियॉइड, एंड दिस न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस. वेरी गुड. How many chromosomes are found in the prokaryotic cell? Only one. And what about eukaryotes? That depends, that varies from the organism to organism. And what about the humans? 23 chromosomes? 26 chromosomes? Twenty-three pairs, that is 23 are the pairs. And total of 46 chromosomes we have. Total of 46 chromosomes, right? So these are the 23 pairs of the chromosomes in human beings, right? So coming to the next, we have also studied in details about the prokaryotic cell and a eukaryotic cell. Okay, starting with the first description, that is of the prokaryotic cell. In a prokaryotic cell, we have studied about the various parts. Can you name some? First is, Anji, plasmid. What is the role of it? This is also called as an extra chromosomal material, and it carries the extra, yes, it carries the extra characteristics which are not carried in the own chromatin material, right? So plasmid, it is called as an extra chromosomal material, and hence it carries the extra information of the characters which are not already present in the nucleoid. Next, nucleoid. Nucleoid is, what is the role of it? Yes. Yes, it carries the information of the various characteristics which are present in the DNA for the organism. And this information can also be called as the coded information. Isko coded information ka naam bhi diya ja sakta hai. Theek hai, so this is plasmid, then is coded information for the nucleoid. Okay, what next? Outer covering. Outer covering is glycocalyx. Glycocalyx, also we can call it as slimy layer, or called as slippery layer, or called as outer covering, or called as mucilaginous sheath. We can call it as a mucilaginous sheath. ठीक है, इसको sheath का नाम भी मिला है. Mucilaginous sheath, slimy layer, mucilaginous sheath, slippery layer. ठीक है, outermost covering. ये सारे नाम इसके ही glycocalyx के. अब इसका काम क्या है? Sticking, yes, it does not allow the sticking of the bacterial organism at one place, so that is because of this glycocalyx. Next is cell membrane. Wall ka kya role hai? Providing the shape as well as the transportation. Wo to simple. Major roles aage aata hai cell membrane pe. Kya hai roles iske? Exchange of gases with the help of the respiratory pigments, or ek ek bolo, osmosis, that helps in the transportation across the membrane, or provide shape to the cell, helps in the transportation, exchange of gases, and bounds the contents to be passed in and out. Acha, it protects the inner cell apparatus from the outer environment. Yes, that can also be there. So it prevents the inner protection. Aap simple isme ek likh sakte hai na, protection, preventing the inner cell material from the outer environment. Or yes, this is a respiratory exchange. To ho gaya isme respiratory enzymes jo hain wo iske sath associated, but uske sath
मीजोजोम, जो कि इसका भी रोल है और मीजोजोम का भी रोल है, दैट इज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. दिस इज कॉमन फॉर बॉथ. ठीक है, आपको मीजोजोम का पूछते हैं तो उसमें भी, सेल मेम्ब्रेन का पूछते हैं तो उसमें भी, बिकॉज मीजोजोम इज वॉट द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो उसका भी रोल यही है. और क्या रोल्स है मीजोजोम के? हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द क्रोमोजोम्स, सो हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एज वेल. हाँ जी, और दैट्स इट. फूड रिजर्व्स, फूड रिजर्व्स क्या करते हैं? सिंपल स्टोर फॉर्म्स ऑफ द फूड एंड व्हेन रिक्वायर्ड द सेल कैन यूटिलाइज इट, राइट, दैट इज इट. और सीलिया एंड फ्लैजेला, यस, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर द सीलिया एंड फ्लैजेला दैट हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सेल. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स एंड देयर रोल्स और देयर एक्स्ट्रा नेम्स व्हाट वी हैव रिटन. ठीक है, नाउ दिस होल चार्ट कैन बी देयर एज इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू, राइट. यू कैन बी गिवन ए कॉलम, बी कॉलम, यू हैव टू अरेंज देम, यू हैव टू मैच देम. ठीक है, मैच द कॉलिंग में आ सकता है. अब जैसे मैच द कॉलम आता है, सपोजिंग यू गेट टू हैव दीज टू टर्म्स आपकी नहीं है और ये सारे आपके एमसीक्यूज में आ गए, फोर क्वेश्चंस हैं और ये सारे आंसर हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको एक के लिए एक भी मिल रहा है आंसर, एक के लिए एक आंसर है, लेकिन एक के लिए बहुत सारे भी हैं, है ना. ये सारे इसके रोल्स हैं, ये भी इसी के ही रोल हैं और वो वेस्ट है ना. सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी देयर व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ एमसीक्यू लाइक ए बी सी डी, आपको ऑप्शन दे दी. ठीक है, एंड देन यू आर आस्क्ड टू मैच दिस. ठीक है, अब सपोजिंग ये फर्स्ट नंबर की मैचिंग वहां पे फर्स्ट नंबर के साथ कर रहा है, ठीक है, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, फोर्थ की इसने सिर्फ एक के साथ की है, सो विल दैट बी करेक्ट? फोर्थ की इसने, फोर्थ क्वेश्चन की सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. इफ देयर आर मोर देन वन आंसर्स, यू शुड लुक फॉर द ऑप्शन विच इज हैविंग ऑल दोज आंसर इन इट. फोर भी है, फाइव भी है, सिक्स भी है, सेवन भी है, मतलब जितने आंसर्स हैं वो सारे हैं कि नहीं है इसके अंदर. समझ आई मेरी बात? मैंने कहा था आपको जब मैच द कॉलम आने, पहले कैसे आते थे मैच द कॉलम्स? आपको क्वेश्चन आ गया, वन साइड क्वेश्चन आ गया, सेकंड साइड आंसर्स आ गए. ज्यादा से ज्यादा अगर चार क्वेश्चन होते थे तो पांच आपको आंसर्स आते थे, ऐसे ही होता था ना. तो अब पांच नहीं, दस आ गए. सपोज दस आपको ऑप्शन मिल गए, उन दस में से कोई तीन चार वेस्ट हैं, बाकी की छह प्लेस हो रही है, पर छह चार के साथ जा रही है, मतलब किसी एक में दो या तीन आंसर्स होने वाले हैं. अब ये समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो वो आपने आंसर, ये डाउट, नो डाउट दिस इज नॉट रॉन्ग, ये भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, बट इससे भी अच्छा आंसर, पूरा एप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास कोई और था, हमने वो ढूंढना है. समझ आई? हमने वहां ढूंढना है जहां पे हमारी सारी रैंडम मल्टीपल आंसर्स जहां पे हमारे अवेलेबल है वो आंसर्स भी साथ आ रहे हैं. ठीक है, सो दीज एमसीक्यूज, सॉरी मैच द कॉलम्स कैन बी स्टिल डिफरेंट वंस, बिकॉज फॉर वन क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग मल्टीपल आंसर्स. ठीक है, समझ आया? तो ऐसा कुछ आपको एमसीक्यूज में आ सकता है. यू कैन बी आस्क्ड टू गिव द करेक्ट मैच, कोई भी आपको दे दिया, अब लेट्स से ये करेक्ट मैच है, ये मैच करेक्ट है, ये सही है. सेल मेम्ब्रेन के साथ मैं ये कुछ नहीं देती, मैंने सीधा दे दिया ये वाला मूवमेंट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ इट, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट फोर्थ आंसर, यू विल बी राइटिंग करेक्टिंग द फोर्थ आंसर, वेयर देयर इज अ ऑर्गेनेली द पार्ट ऑफ द सेल and concerned to it the function is wrong, that is an incorrect match. ठीक है, first of all you should see that whether we are writing the other names, if other names, so other name का incorrect match ढूंढना है. हो सकता है उसका function सही लिखा हो पर other name wrong लिखा हो, जैसे आप वो करते हो ना find the odd one out, है ना. तो odd one out में क्या होता है कि तीन की similarity आप किसी एक parameter पे बनाते हो फिर odd one out निकालते हो. यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, आपने ये देखना कि other name है, ये other name है, यहाँ पे फंक्शन लिखा है, तो ये भी तो रॉन्ग हुआ ना, फिर आप ये फाइंड आउट करोगे. या अगर ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, पर ये फंक्शन ही मैच रॉन्ग हो तो ये वाला आंसर होंगे. समझ आया मेरा? ठीक है, तो ऐसा करके कुछ आपको एमसीक्यू जो है वो पूछे जाएंगे इन बिटवीन. ठीक है, फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट, ओके. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल. देन इज द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में भी हमने डिस्कशन किया दैट ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, देयर अदर नेम्स एंड देयर रोल्स, है ना.
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाट आर दोस? दिस इज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम विल बी लेस, वी वोंट बी कंप्लीटिंग दिस. लेट अस फर्स्ट डिस्कस द अदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन लाइक द केस बेस्ड क्वेश्चन. आई विल बी रीडिंग आउट द स्टोरी, देन यू विल बी गिविंग मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है, तो पहले हम लोग एक केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Shall I only read it or shall I write it also on the board? Read ही कर देते हैं, लेकिन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा. This is a case-based question. I'm going to read the content for you. That is only 4 to 5 sentences. You can write the clues if you want. ठीक है, साइड बाई साइड क्लू लिखते रहना जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ उसकी, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे then you have to answer this. Right? Okay. So I start with this question. Number one. Most of the eukaryotic cells possess sausage shaped colorless organelles that are, you can write the clue points, sausage shaped, this is sausage shaped, then it is colorless organelles. Is tarah se aap apne clue points likh lo. Theek hai, clue points are the buzzwords which are required. Sausage shaped colorless cell organelles that are essential for living of aerobic organisms, that is essential for living aerobic organisms. Next is this is the organelle is covered by a double membrane envelope. The organelle is covered by a double membraneed envelope. The inner membrane is folded inwards to increase the internal surface. The inner membrane is folded inwards to increase the internal surface. Then is partially embedded in the membranes of these enfoldings are the racket shaped structures. Partially embedded in these foldings are the racket shaped structures. Now the first question is, what is the name of this organelle? Very good. That is mitochondria. The organelle is mitochondria. It is colorless. It helps in aerobic organisms. That is the aerobic respiration. There are certain specialized racket-shaped structures. Also, we also said that it is a double membrane-bound cell organelle. So double membrane, हमारे पास कौन-कौन सी है? Chloroplast है, mitochondria है, nucleus है. That's it. है ना? So out of those, these are helping in the aerobic respiration. So they are the double membrane structures called mitochondria. Very instant and very right answer. Next is the infoldings of the inner membrane are called what? What are the infoldings? मैंने बोला ना inner membrane is infolded. What are these infoldings called as? No, matrix and stroma are the fluids. These are called as cristae. ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से होता है. इट्स एन ओवल शेप स्ट्रक्चर. इनर मेम्ब्रेन गेट्स फोल्डेड विद इन लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरह से इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है. एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज क्रिस्टे. राइट, क्रिस्टे. नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल? आई गिव यू द ऑप्शंस, यू टेल मी द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर. It bears oxysomes or elementary particles. Second, because it is the major seat of ATP synthesis. Third, because it generates electric potential that runs the cellular machinery. Fourth is, it is the seat of synthesis of amino acids and fats. Second option, because it is the major seat of ATP synthesis. Now next is, what are the functions of the organelle? I tell you the options again. You please write down the options because these are of different words. Write down the options of this answer. This is, what are the functions of the organelle?
ए ऑप्शन इज ब्रेकडाउन, ये फंक्शन पूछ रहा है ऑर्गेनेल का क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू, दिस इज ग्लूकोज टू पाइरुवेट. सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पाइरुवेट. थर्ड इज कैरिंग आउट क्रेब्स साइकिल, कैरिंग आउट क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन. एंड द फोर्थ इज ट्रांसलेशन ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन. हाँ जी, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेलिन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट. हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ए तो रॉन्ग हो गया, बाकी बताओ. बी सी, वाई सी अर्शप्रीत, हाँ हैव यू रेड इट समवेयर. द करेक्ट आंसर आउट हेयर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कैरिंग आउट क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, दिस इज क्रेब्स साइकिल इज व्हाट, दैट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन. अब आप लोगों ने जो फंक्शन किया, दैट इज, इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी एंड ऑल एंड ऑल, है ना. अब वो चीज नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और लिख के आ गया. सो यू हैव टू कैटेगराइज द आंसर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, बिकॉज वॉट हैपेंड इज व्हेन आई रेड आउट द क्वेश्चन, यू इमीडिएटली आंसर्ड इट, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, हेल्प्स इन द एटीपी सिंथेसिस वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, यू शुड फ्रेम अप द आंसर इन योर माइंड. मोस्ट ऑफ द कॉमन यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर समवेयर इन द ऑप्शन. ठीक है, बट समटाइम्स द आंसर्स वर्ड्स आर चेंज, यू रीड आउट द ऑप्शन देन यू गिव द आंसर. ठीक है, सो दिस वे दिस इज द केस स्टडी विद द फोर क्वेश्चन आई एन लिस्टेड. यू मे ऑल्सो गेट द असर्शन रीजन अकॉम्पेन विद इट एज अ फिफ्थ क्वेश्चन. यू मे ऑल्सो गेट समथिंग मोर, जैसे ये कह सकते हैं कि नेम एनी अदर ऑर्गेनेल विच हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर विद द सम अदर ऑर्गेनेल. व्हाट इज दैट, इट इज अ क्लोरोप्लास्ट. मैक्सिमम सिमिलैरिटीज आर देयर विद द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. बोथ आर डबल मेम्ब्रेन, बोथ हैव देयर ओन डीएनए, बोथ आर हैविंग द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड, बोथ आर हैविंग 70S राइबोसोम इनसाइड. ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस जो दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स, इफ यू कुड नॉट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्रिस्टे, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दे आर कॉल्ड एज द क्रिस्टे, इनको बोलते हैं क्रिस्टे. ओके, सो योर टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर. एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?